नित्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 घर का मालिक अब हटिए आपका नाम क्या है पत्नी का नाम हरे कृष्ण आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है दीनबंधु और श्री राशेश्वरी प्रभु राशेश्वरी दीदी आज इन लोगों ने जो ये नया घर जो लिए है ये नया घर की उद्बोधन में उसका ओपनिंग में और नया घर में इनका कल्याण हो मंगल हो इसलिए उन्होंने सब भक्तों को बुलाया और घर में हरि कीर्तन और घर में उन्होंने सत्संग करवाए इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले मंगल भवन अमंगल हारे जिस घर में भक्त लोग आए घर में प्रभु का कीर्तन हो घर में भगवत कथा हो कभी घर का जितने सारे अमंगल है भगवत कीर्तन होने का साथ साथ वो सारे अमंगल घर से अपने आप निकल जाते और घर में जितने मंगल है अपने आप घर में सारे मंगल आ जाते हैं क्योंकि जो भगवान का नाम है कहते मधुरम मधुरम मेतद मंगल मंगल नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सकृदपि परिचितं श्रद्धया हेलयवा भृगुवर्णर मात्र तारयते कृष्ण नाम कृज भगवान का नाम जो कृष्ण और राम का जो नाम ये क्या है बोले मंगलम मंगलम मेतत कर जितने जगत में मंगल है सबसे मंगल किया है बोले भगवान का नाम बोले जगत में जितने मधुर है जितने मीठा है सबसे मीठा किया है बोले भगवान का नाम बोले सकृत भी सकृत मतलब एक बार किसी तरह से अगर प्रभु का नाम हो जाए प्रभु का कीर्तन हो जाए क्या होता है बोले नर मात्र तारयते कृष्ण नाम ये प्राणी मात्र को ही उद्धार कर लेता है बोले जिस समय ब्रज में कृष्ण जब 3 महीना के हुए उन्होंने गर्भ लिए और बड़े कष्ट से कृष्ण को मैया जसोदा ने प्राप्त की बुढ़ापा में बुढ़ी उम्र में बहुत कृष्ण को पाने के लिए नंद जसोदा बड़ी तपस्या दान तीर्थाटन उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन घर में संतान नहीं बड़े कष्ट से जब कृष्ण आए मैया जसोदा नंदा तो ढूंढते थे कोई एक चांद से मिले और घर में उत्सव हो जब कृष्ण 3 महीना के हो गए कृष्ण करवट ले लिया करवट लेते ही मैया जसोदा को तो बड़ा आनंद मिला मेरे लाला में ताकत आ गया है करवट कब लेता है बच्चा जो शरीर में ताकत आ जाता है ना देखना बच्चा अपने आप करवट ले लेता है पर मेरे लाला में तो ताकत आ गई इसलिए आज लाला ने करवट ले लिया बल आज घर में उत्सव करेंगे उन्होंने जितने सारे ब्रज गोपियों को उन्होंने नौका दे दी और कृष्ण को लेकर के जिस आंगन को साफ सुथरा करके बैलगाड़ी के ऊपर भी जितने दूध दही मक्खन को उन्होंने बैलगाड़ी को ऊपर रख दिया और कृष्ण को उसको नीचे सुला दिया क्योंकि अभी गोपियां आकर कीर्तन करेगी फिर कृष्ण का नींद टूट जाएगा तो फिर बहुत सारी गोपियां आएगी किसको लेना किसको देना कुछ करना घर का बहुत सारी काम है इसलिए कृष्ण को बैलगाड़ी को नीचे और जितने सारे दूध दही रख लिया बैलगाड़ी के ऊपर और जितने गोपियां आकर के बैठ करके बड़े सुंदर कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग लाला जियो
अभी कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, इतने में कृष्ण जो सो रहे थे बैलगाड़ी के नीचे, कृष्ण का नींद टूट गया। बोले भैया देखो उत्सव मेरे लिए, कीर्तन भी मेरा, लेकिन देखो मेरे को कहां कीर्तन से अलग कहां लेटा दिया, और हो रहा है मेरा कीर्तन मेरे उत्सव। अभी कृष्ण का मन में इच्छा है मैं भी अपना कीर्तन का अपना आनंद लू। देखो कीर्तन में हमें भी आनंद आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद किसका आता है? भगवान को। कृष्ण कीर्तन नाम में इतने आनंद है, जहां पर कृष्ण कीर्तन होना स्वयं कह भगवान स्वयं कहते हैं, बोले मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, किसी योगियों का हृदय में भी नहीं। बोले कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरी कीर्तन करते हैं, केवल मैं वही रहता हूँ और कहीं नहीं रहता है, कहीं नहीं रहता हूँ, केवल कीर्तन जहाँ पर वही कथा में ही मैं रहता हूँ। देखो आपके एक सच कथा सुनाता हूँ। जयपुर में भगवान गोविंद देव जो बज्रनाभ ने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीन ठाकुर को प्रकट किए, जो जयपुर में भगवान गोविंद देव है, एक संत हर साल आकर के वहां कथा सुनाता था। हर साल एक साल में एक बार आते, एक साल में कथा सुनाए। जब उन्हें दूसरे साल में आए, जितने ऑडियंस थे कथा सुनने वाले, तो उनको प्रश्न किया, बोले बताओ मैंने पिछले साल कथा कहां तक की थी और कहां से ये कथा शुरू होगी? जैसे भागवत सुनाए नहीं तो फिर रामायण सुनाए। बोले कहां तक मैंने समाप्त की और कहां से शुरुआत होनी चाहिए? अभी एक साल पहले कथा हुई, थोड़ी किसकी याद है, सब भूल गए, सब भूल गए, सब इसको इसको देख रहे हैं। बोले कहां से कहां से? इतने में जो कथाकार था उसने कहा लगता है यहाँ कथा ठीक से कोई नहीं सुनते, किसको याद नहीं कहाँ पे कथा हुई और कहाँ से सुननी चाहिए, लगता है ये कथा कोई नहीं सुनते। जब इतना बात बोले ना, वो मंदिर के अंदर से भगवान ने स्वयं गोविंद भगवान अंदर से आवाज आई, बोले पंडित जी आप कैसे बता रहे हो कोई कथा सुनने वाले नहीं, कोई नहीं सुनते ठीक से? मैं कथा सुनता हूँ ना ठाकुर जी। बोले मैं कथा सुनता है ना, आपने कथा यहाँ तक की थी और यहाँ से फिर कथा शुरुआत हुई, भगवान स्वयं ये बात को बोली। इसलिए कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों आए? इसलिए आए मेरे भक्ति में क्या आनंद है, मैं स्वयं रस स्वरूप हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन मेरे आनंद को राधा रानी पूर्ण रूप में, मेरे रस को मेरी भक्ति को मेरे रूप को ये राधा रानी पूर्ण रूप में इसको आस्वादन करती है। इसलिए इसमें क्या आनंद है, वो खुद अपना आनंद, जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला को पता है कि रसगुल्ला में क्या आनंद है, जो खाने वाला पता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तो रस वैसे हूँ, मैं तो रस स्वरूप हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं मेरे अंदर में क्या रस है, उसको कौन आस्वादन करते बोले भक्त है। इसलिए कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा रानी की भाव और अंग का लेकर के श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में श्रीमन महाप्रभु रूप में आए, स्वयं कृष्ण होते हुए भी दिन रात हा कृष्ण हा कृष्ण, राधा रानी जैसे कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रज कर नंदन, कहां जाने पर वो श्याम सुंदर हमें मिलेंगे, वो कृष्ण हमें मिलेंगे, कृष्ण स्वयं कृष्ण को ढूंढ रहे चैतन्य महाप्रभु रूप में। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए अभी कृष्ण वो सोच रहे हैं, कृष्ण भैया मेरे लिए कीर्तन मेरा ही नाम मेरा ही उत्सव, अब मेरे को कहां लेटा दिया, कीर्तन से अलग। अभी कृष्ण वहां से आना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन के हम कृष्ण कितने दिन के? तीन महीना के ना, अब 3 महीना के थोड़ी कृष्ण आ सकते हैं, अभी तो उनको गुठन पर भी चलना नहीं आता, अभी तो केवल आज ही करवट लिए है। अभी बच्चा अगर मैया को गोद में जाना चाहता है क्या कहता है, रोता है, जो बच्चा जोर जोर से रोता है ना फिर मैया उसको गोद में ले लेते हैं, मैया गोद में।
इसलिए कृष्ण सोचा मैं थोड़ी जोर जोर से रो, हो सकता है मैया की कार में पड़ेगा और मैया मेरे को गोद में लेकर लाएगी। कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर, वाह 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 करके जोर जोर से, इसलिए भजन में कहते ना मत रो काना हुआ हुआ समझा बे सो नंदा बुआ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा किया, कंस ने शकटासुर को भेज दिया और शकटासुर उसका शरीर नहीं था, उसका शरीर नहीं था। उसने सोचा कहा कृष्ण, कंस ने भेजा मारने के लिए, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटा हुआ, सोचा ये बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो जाता हूँ और उसको दबाते 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 ऐसे दबा दूंगा कृष्ण तो नीचे सो रहे हैं मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण ऊपर में देखा मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं, उनका सामंती भी सब मामा लगते, बोले मामा जी आ गए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जब सवार हो गए और धीरे 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 गाड़ी को नीचे दबा रहे थे, इतने में कृष्ण चरणों को धीरे 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 चलाया और ऐसे चरण से बैलगाड़ी को ठोकर मारी, एकदम बैल गाली पलट गई, जितने दूध दही मक्खन था ना सबके सब चकनाचूर सत्यानाश हो गए। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार एक कथा की शिक्षा देते हैं। हो रहे थे घर में उत्सव, लेकिन उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया, भगवान को निकाल दिया उत्सव में, है? जब निकाल दिया तो उत्सव, उत्सव, उत मतलब होता है निकालना, अगर उत चले जाएगा रह जाएगा सब, सब मतलब डेड बॉडी मरा हुआ शरीर। इसका मतलब है अगर हमारे घर में कोई उत्सव हो रही है लेकिन हम भगवान को कीर्तन नहीं करवाए, भक्तों को नहीं बुलाए, वहां से भगवान को अलग कर दिया ना, भगवान कहते हैं वो उत्सव नहीं, वो मतलब सब है। जैसे साधारण लोग क्या करते हैं, जैसे किसका नया दिया गृह प्रवेश होगा, लोग क्या करेंगे, सारे यार दोस्त बुलाएंगे, शराब पिएंगे और मांस खिलाएंगे और डिस्को डांस, जितने गंदी गंदी काम करेंगे, है ना, गंदी गंदी काम करेंगे। देखो किस शब्द का कहना है, देखो इसको उत्सव नहीं कहते। जैसे बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, बच्चे का बर्थडे क्यों मनाते हैं, बच्चे का कल्याण के लिए। अगर जिस बच्चे के कल्याण के लिए तुमने इतने बोतल तोड़वाया, शराब पिलवाया, इतने मांस मछली खिलवाया, घर में उल्टा पुल्टा गंदी गंदी तुमने म्यूजिक बजवाया और उसमें डिस्को डांस किया, वो बच्चा का कभी कल्याण हो सकता है? ये संत कहते हैं अगर उसको 50 साल होगा ना, झट अगर 100 साल जिंदा रहेगा वो झट वो 50 साल में उतर आएगा। अगर उसका 100 साल होगा तो अगर जिस बच्चे का उद्देश्य में तुमने इतने गंदे काम करवाया, शराब पिलवाया, मांस मछली खिलवाया, तुमने म्यूजिक उल्टा पुल्टा गंदी गंदी म्यूजिक तुमने बजवाया, वो बच्चा का आयु बढ़ेगा नहीं, झट 100 से झट 50 बन जाएगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, इसलिए कृष्ण को जो उत्सव से अलग कर दिया, बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया और जितने घर का सामान ऊपर रख दिया, मतलब भगवान को कर दिया तो नीचे और घर का चीज को रख दिया ऊपर में, भगवान ने क्या किया, ऐसे चरण की ठोकर मारे ना सबको सत्यानाश कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम घर में कुछ कर रहे हो, अगर तुमने मेरे कीर्तन नहीं करवाया, भगवान की भजन नहीं करवाए, उल्टा पुल्टा लोग घर में बुला करके डिस्को डांस करवाया, बोतल खिलवाया, मांस खिलवाया ना, ऐसे तेरे को ठोकर मारूंगा ना, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति आप देखना, पहले घर में कोई भी साधु कुछ भी हो, घर में माताएं बैठ कर कीर्तन करती हैं,
नहीं तो भक्तों को घर में बुलाएंगे, रामायण गवाएंगे, नहीं तो भगवान की कथा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हरी। अगर कोई काम को भगवान की भक्ति को द्वारा करवाओ ना, जितने अमंगल होगा ना वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे घर में कीर्तन हो रहा है, जैसे घर में कीर्तन हो रहे, भजन हो रहे, कीर्तन हो रहे, अगर घर में कोई उल्टा उल्टा चीज हो ना, ये कीर्तन को साथ साथ में जो मृदंग बजती है ना, वे साधारण वस्तु नहीं, ये सख्त बलदेव प्रभु है। ये मृदंग बजते ही कीर्तन होते ही अगर घर में कोई दोष हो, कोई भूत पिशाच उल्टा सीधा चीज हो ना, कीर्तन को साथ साथ से घर से झट निकल जाए, वो घर में रह नहीं सकते। कोई भी भूत विषाद डाके निशाकिन उल्टा सीधा ग्रह कोई ये घर में रह नहीं सकती है, क्योंकि जिस घर में भगवत कीर्तन होता है, भागवत ने बताया सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यथाचुतागर कथा प्रसंग। सुतो गोस्वामी कहते हैं जिस घर में हरि कीर्तन हो, जिस घर में प्रभु का नाम हो, बोले सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र, पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती, वो सारे को सारे घर में आ जाते, सारे तीर्थ वहीं पर आकर निवास करते हैं, और घर का सारे अमंगल यहाँ से अपने आप घर से भाग जाती हैं। इसलिए हमारे श्री दीनानंद प्रभु जी, राशेश दीदी, इन लोग ने आज भक्तों को बुलाए, घर में भक्तों को बुलाए और घर में हरि कीर्तन हो रहे हैं, हरी कथा हो रही है, समझना इससे बड़ा चीज दर्शन को जो हो ही नहीं सकता है पृथ्वी में, और कोई चीज अच्छी नहीं हो सकता है, ये सबसे बेस्ट चीज है भगवान का कीर्तन और भगवान का कथा है। इसलिए शंकर जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो शंकर जी कहते पार्वती, जो स्त्री पुत्र परिवार दुनियादार का हर जीवन में मिलता है, ऐसे कोई जीवन नहीं जिस जीवन में तुमको ये स्त्री बेटा बेटी कुत्ता नंबर कुत्ती सुअर नंबर सुअरी गधा नंबर गाधी बेटा बेटी को कौन सा जीवन में नहीं मिलता, हर जीवन में मिलता है पार्वती। लेकिन एक पापी को पास में भी शंकर जी कहते हैं ये सारी चीज रहती हैं, लेकिन पार्वती संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का संग और भगवान की कथा पार्वती, ये जो दो चीज पार्वती, बड़े किस्मत वालों को ये दो चीज प्राप्त होता है, साधारण व्यक्ति को चीज प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये समझो आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, जहाँ पर हमें भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा और सत्संग हमें आज हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए कल हम लोग श्रवण करते थे नीलावर दीदी के घर में, क्या दीदी तुम्हारा नाम, जगत मोहिनी दीदी, बेटी का नाम नीलावरी। इसलिए जगत मोहिनी घर में हम कथा सुन रहे थे, भगवती कथा हम श्रवण कर रहे थे वहां पर। कहते जो भगवान की जो कथा है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाथ अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूभि भावुका। यहाँ पर श्री शिव ठाकुर पार्वती को सुना रहे हैं और श्री सुतो गोस्वामी को, सुतो गोस्वामी स्वर्णकादि ऋषि को, और श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परिकृत महाराज सुना रहे हैं ये कथा को। कल जो भगवान की जो कथा किया है भागवत, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये जो भगवान की कथा जो भागवत कथा किया, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। फल दो तरह का होता है, फल दो तरह का, एक फल होता है पकने से पहले उसको पेड़ से ले आओ और गर्म चीज से उसको पकाओ, ये एक तरह का पकता है। दूसरे चीज है जो पेड़ में अपने आप पक जाए। बताओ तो दोनों फल में सबसे मीठा फल कौन सा होगा, हरि कृष्ण। दो फल है, एक तो फल है पकने से पहले तोड़ करके उसको गर्म से पकवा, और एक फल है पेड़ में अपने आप पक जाए, कौन सा फल ज्यादा मीठा होगा। इसलिए जो फल अपने आप पेड़ में पकेगा क्या वो फल का ज्यादा मीठा है। इसलिए बोले गलितम, जो फल जोर जबरदस्ती पकाया नहीं गया,
जो अपने आप पेड़ में पक गया, फिर कितना नहीं बोले सूखा मुखाद अमृत दरबा सचुतम, एक बार पेड़ में पक गया फिर क्या हुआ उसको सूख पखी ने उसको चोंच मारे। एक कहावत है जिस फल में तोता ने चोंच मार देना उसमें ज्यादा मिठास आ जाता है, एक कहावत है। और एक चीज बल जो तोता उसका अंदर में एक विशेष गुण है वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, उसका एक विशेषत्व है। वो कौन सा फल में चोंच मारेगा, जो फल केवल पक्का हुआ हो उसी में ही वो चोंच मारेगा है? इसका मतलब है कि ये जो भागवत है वो स्वयं पका हुआ फल है, वो पका हुआ फल है। लेकिन जब श्री तोता ने उसमें चोंच मारे, चोंच मारे मतलब जब ये कथा श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से कथा निकली वो कथा में और भी मिठास आ गया। बल्कि क्यों मिठास आ गया, कारण क्या, बोले कारण क्या है क्यों उसमें ज्यादा मिठास आ गया, फल तो पका हुआ था ही लेकिन जब भागवत तो मीठा है ही है लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से निकली उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गया, बताओ तो क्यों। Because it comes from the lips of a pure devotee, then it becomes more nectarian. और कौन बताए? तुम बता। क्योंकि वो हाँ बोलो। आ खड़े हो जाओ तुम। कहाँ गया तुम पंडित जी? खड़े हो जाओ। हाँ बोलो क्या बोलो? कहते भागवत वैसे ही मीठा है। भागवत भागवत क्या है? भागवत को बताया। कहते भागवत को बताया। जितने सारे वेद पुराण उपनिषद सारी ग्रंथ का जो सार है ये भागवत है। कहते सर्व वेद इतिहास नाम, सारे वेद इतिहास का जो सार सार है कहते ये श्रीमद् भागवत है, हैं? ये सारे शास्त्र का निचोड़ ये भागवत है। इसलिए भागवत मीठा तो मीठा है ही है लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी मुखारविंद से निकली उसमें और भी ज्यादा मीठा आ गया, बताते अच्छा तरह से बता। इसलिए जितने ज्यादा शुद्ध भक्त उन आम को छिखा जितने ज्यादा कृपा हमारे पास आता है। बोलो क्यों इसमें ज्यादा मिठास आ गया? क्योंकि ये अगर हम डायरेक्ट सुनें कैन आई टॉक इंग्लिश या इंग्लिश इफ वी हियर डायरेक्टली इट्स नॉट द टोटल कंक्लूजन वी कैन नॉट परसीव दिस एंड इफ इट्स थ्रू सुधा भक्त ही हैज अ कंक्लूजन एंड ही इज गिविंग अस अंटिल ऑन आवर लेवल ही इज गिविंग अस एंड देन ब्रिंगिंग अस अप। ठीक है देखो ये सब कारण है, अभी मैं कुछ कारण बताता हूँ और सुनना मेरे बाद में बोलना। ठीक है देखो उसमें बहुत कुछ कारण बताए। ये सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से जब कथा निकली वो ज्यादा मिठास क्यों आया, इसका क्या कारण है, इसका कारण बताए। बल्कि कवि कर्ण को ये आनंद वृंदावन चंपू एक ग्रंथ में कहते हैं बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते ये सू कौन है, ये तोता कौन है? बोले ये तोता कोई साधारण तोता नहीं है, जिसको स्वयं राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके उनको लाल लड़ाया करती थी, प्यार करती थी। कभी कभी बोलते थे बोलो तो कृष्णा कृष्णा, सुख भी बोलता था कृष्णा कृष्णा, कभी कभी कृष्णा भी उसको हाथ में बैठा करके बड़े सुंदर सुंदर खाना की दाना खिलाया करते थे। बोलते थे बोलो तो राधे राधे, वो तोता बोलता था राधे राधे, हैं? इसलिए भागवत में श्री सुत श्री मतलब श्री राधा रानी की ये प्रिय सुत है। अरे कभी कभी राधा रानी बोले पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न, कभी कभी राधा रानी अपना थोट से होठ से जो सुखदेव गोस्वामी तोते को जो थोट है कभी कभी राधा रानी चुंबन करती थी,
जब राधा रानी चुंबन करती थी क्या होगा, कृष्ण मान करके तोते को, राधा जी की जो अधरा मृत है वो अधरा मृत लगा हुआ ये तोता के मुंह से अधरा मृत लगी, किसकी, बोले राधा रानी की ये अधरा मृत लगी। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे वहां पर कौन बैठे हुए थे, बोले उनको पिताजी बैठे हुए थे, उनको पिताजी बैठे हुए थे, उनको पिताजी बैठे हुए थे, कोई 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 500 साल के, कोई 1000 साल के संत बैठे हुए थे, बड़े बड़े दाढ़ी, हाँ जटाजुटधारी, लेकिन सबसे बच्चा कौन था, सुखदेव। कहीं आता है ये 12 साल के, कहीं आता है ये 16 साल के, लेकिन इतने ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे लेकिन कथा सुने किसी से, सबसे छोटे बच्चे जो नंगे रह गए, शरीर में कपड़ा नहीं, एकदम बच्चा, बच्चे नंगे होते हैं ना, ऐसे नंगे शरीर, कोई शरीर में कपड़ा वपड़ा कुछ है ही नहीं, बस कथा सुने सुखदेव गोस्वामी। बोले क्यों, बोले कारण है देखने में तो छोटे बच्चे है लेकिन छोटे बच्चे नहीं, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, जिस समय गोलोक वृंदावन से जब भगवान आए इसी जगत में राधा कृष्ण परिकर को साथ में, जब संपूर्ण लीला समाप्त हो गई, जब इसी जगत छोड़ करके राधा कृष्ण अपना परिकर को साथ में जा रहे थे, इतने में ये तोता भी तैयार हुआ जाने के लिए, उनको साथ में आए थे, उन्होंने राधा कृष्ण की सारे लीला देखा, जब सारे जाने के लिए तैयारी, ये तोता भी तैयार हुआ, हम भी चलेंगे, कृष्ण बोले नहीं, बोले नहीं, अगर तुम चले जाओगे ना, तुमने हमारे सारे लीला को देखे हो, सारे निकुंज में रहा करके सारे लीला देखे, अगर तुम चले जाओगे फिर ये भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा। जैसे भगवान राम जाते समय संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को लिए नहीं, किसको लिए नहीं, हनुमान जी को, उन्होंने केवल हनुमान जी को नहीं लेकर गए, बोले क्यों, बोले हनुमान अगर तुम चले जाओगे ना फिर राम भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने दुनिया को लेकर गए लेकिन हनुमान को छोड़ कर गए, क्यों, जगत में राम की भक्ति प्रचार करने के लिए। उसी तरह कृष्ण सबको लेकर गए लेकिन केवल ये तोते को छोड़ कर गए, बोले क्यों, बोले कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए, राधा रानी का नाम को प्रचार करने के लिए, बोले इसलिए, बोले भागवत कथा तो मीठा मीठा ही है लेकिन वो कथा जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकली उसमें और भी ज्यादा सा मीठा सा आ गया। बोले ये एक कारण है, बोले दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या, दूसरा कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसने बताया कुछ कुछ बताया प्रेमानंद ने, देखो दूसरा कारण क्या है, कथा शास्त्र में बताया आत्मिया नहीं पढ़नी चाहिए, भागवत कथा को आत्मिया नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए भागवत को बताया निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते ये भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है, बोले कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, बोले कल्प वृक्ष उसे कहते हैं वो वृक्ष को नीचे बैठ करके आप जो कुछ उनसे मांगो तुम्हें वही दे देगा, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है, उसको वृक्ष बैठ कर जो कुछ मांगो, जैसे भागवत कथा सुनो ना 7 दिन तक, क्यों सुनते हैं 7 दिन तक, आप जो कुछ मांगोगे भागवत से वो भागवत आपको पूरा वही दे देगा 7 दिन तक सही सही सुन लिया तो, इसलिए कल्प वृक्ष ये श्रीमद भागवत है, इसलिए ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष मानेंगे भागवत को, लेकिन ये कल्प वृक्ष है आप जो मांगोगे सो दे देगा, लेकिन यहाँ पर बताए भागवत को अपनी ओर नहीं पढ़नी चाहिए, शास्त्र ने मना किया, बोले क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, बोले कारण है साधारण व्यक्ति अगर भागवत ग्रंथ को पढ़ेगा फिर दुनियादारी चीज को मांग लेगा, फिर भगवान से भक्ति नहीं मांगेगी, ये दुनियादारी चीज को मांग लेगा, इसलिए बोले जहाँ भागवत का पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, बोले भागवत को पहले भक्तों को मुखारविंद से सुननी चाहिए, अपनी आप नहीं पढ़नी चाहिए, अपनी आप अगर ग्रंथ को पढ़ोगे, जैसे भागवत ऊपर में 108 टीका है, गीता के ऊपर में भी हमारे भारत में 108 टीका, जो कर्मी वो भी टीका बनाया, जो ज्ञानी वो भी टीका बनाया, जो कर्म जो योगी वो भी टीका बनाया, जो भोगी वो भी टीका बनाया, भागवत के ऊपर में भी 108 टीका है, वो सबका टीका है, क्योंकि जो भागवत में केवल शब्द उसमें दिया दी गई, उसमें केवल शब्द दिया गया, टोन दी गई है, शब्द दी गई है,
इसलिए फिर एक ही ग्रह तो इतना टिका कैसे हो गया, इसलिए बताइए कल्प वृक्ष जैसे देखोगे ना तो जैसे आकाश का एक रंग है, लेकिन हम जिस रंग का चश्मा पढ़ लेना हम उसी रंग में दिखाई पड़ता है, काला नीला सफेद जैसे चश्मा पहने वैसे दिखेगा, क्योंकि भागवत ये कल्प वृक्ष है। लेकिन जो वास्तव जो अर्थ है भागवत का वा भगवत गीता का, इसको कौन जानते हैं? बोले केवल ये भक्त जानते हैं। इसलिए बोले जहां भागवत पढ़ा वैष्णव स्थानीय वैष्णव के अनुगत्य से ही ग्रंथ पढ़नी चाहिए, अपनी आप नहीं पढ़नी चाहिए। कोई सोचेगा हम क्या कम लिखे पढ़े, हम बहुत एमए पीएचडी डॉक्टर भी हमने की है संस्कृत में, बोले नहीं है। इसलिए जैसे समुद्र मंथन से 20 भी निकला अमृत भी निकला, ये भागवत से 20 भी निकलती है और अमृत भी निकलती है। अमृत तो भक्ति है और 20 क्या मिलेगी, कर्म ज्ञान जोग भोग ये सब 20 निकलती है। इसलिए इसलिए यहाँ पर बताए भागवत तो अमृत है, लेकिन जब ये सुखदेव गोस्वामी की मुखारविंद से निकली उसमें और भी मिठास आ गया, और भी मिठास। इसलिए एक उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण बहुत सुनाया और एक बार सुन लो। ऐसे को जो वृक्ष होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें याद करना, अगली बार जैसे पूछना बता सकती हो। ऐसे को जो वृक्ष है जिस वृक्ष का बीज को आप वृक्ष से डायरेक्ट लेकर के उसको बो दो ना, वो पेड़ नहीं होगा, नहीं होगा वृक्ष। बोले कौन सा वृक्ष है, कहते बरगद का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। आप डायरेक्ट लेकर के वृक्ष से वो बीज को आप बो देना, देखना वो वृक्ष नहीं होगा। इसलिए आप वृक्ष को कभी भी यो बरगद पीपल वृक्ष आप कभी भी पेड़ को नीचे कभी नहीं देखोगे, कहाँ देखोगे, कहीं छत के ऊपर में, कोई पेड़ के ऊपर में, ये सब देखोगे वृक्ष को, पेड़ को नीचे नहीं देखोगे। बोले क्यों? बोले वो वृक्ष का एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले और उसका पेट में वो बीज जाए, फिर वो बीट करे पायखाना करे, फिर जा करके वो वृक्ष होगा, तो वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जो भक्ति, इसलिए हम कहते हैं ना भगवान का नाम सद्गुरु से लेनी चाहिए, वैष्णव से मंत्र लेनी चाहिए, अपने आप मंत्र नहीं करते, सद्गुरु से लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना गुरु जी की शरण में हमें जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोले कारण है कि जैसे वो पेड़ का जो फल को जब कोई चिड़िया खाकर बीट करता है तभी जाकर के वो पेड़ होता है। बोले ठीक उसी तरह जो भगवान की जो कथा है, बोले किससे सुननी चाहिए? बोले वैष्णव से सुननी चाहिए, कथा वैष्णव से सुननी चाहिए। इसलिए इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये कथा निकली, फिर कथा की विशेष मधुर आ गया और ज्यादा आनंद आ गया। इसलिए बोले भैया ये रस को खूब पियो, खूब पियो रस को। बोले आपने पहले बताया ये फल है बेदरूपी कल्प वृक्ष का फल है, आप बताओ फल को खाते हैं ना फल को पीते हैं? आप लोग बताओ फल को खाते हैं ना फल को पीते हैं? बताओ फल को खाते हैं ना पीते हो? खाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पियो। बोले पिए कैसे? आपने बता दिया फिर फल, फल को तो खाते हैं ना, फल को थोड़ी पीते हैं। बोले भैया ये ऐसे एक फल है, हर फल में तो गुठली होता है, छिलका होता है, लेकिन उसमें गुठली भी नहीं, इसमें केवल रस ही रस है। और ये ऐसे एक रस है जैसे कोई रस को हम किधर से पीते हैं? अब बताओ रस को किधर से पीते हैं? रस को किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन अभी जो रस को हम पी रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से। कभी ये ऐसे एक रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको कान से पी जाती है। उसमें फर्क क्या है? देखो इसमें क्या फर्क है, कोई भी चीज जब आप मुंह से खाओगे ना पियोगे तो नीचे से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? कोई भी चीज अगर आप मुंह से पियोगे नीचे से निकलेगा, लेकिन अगर कोई चीज कानों से पियोगे तब निकलेगा, कोई चीज को कानों से पियोगे कभी निकलेगा नहीं। ये ऐसे एक दिव्य रस है जिसको मुंह से नहीं, जिसको कानों से पी जाती है। बोले भैया कब तक पिए इसको, कब तक पियोगे? आलयन, जैसे कि शराब भी होता है ना, शराब पी 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 कब तक पीगा? जब तक बेहोश हो जाता है, जब तक बेहोश नहीं हो जाता तब तक पीता है, फिर जब फिर उठता है फिर पीता है, बताओ
फिर बदल, इसलिए कह रहे हैं भैया ये रस को छोड़ना नहीं, मुंह रहो बोले पुनः पुनः उसको पीते रहो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले भैया पीते तो है लेकिन टिकती नहीं, सब निकल जाती है, इधर पीते है और इधर निकल जाता है, अभी क्या करें, पीते तो है लेकिन टिकती नहीं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, आपके एक प्रश्न करना, प्रश्न का उत्तर देना। जैसे घड़ा है, कलसी है, वो कलसी में छेद छेदी है, अगर कोई चीज उसमें डालोगे फिर क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसे क्या उपाय है, भले ही वो कलसी में जितने छेद क्यों नहीं हो, जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर पानी डालोगे ना एक बूंद नहीं निकलेगा। अब बताओ इसका आंसर दो, सब समझ गए कि नहीं। कलसी है उसमें छेद ही छेद है, अगर कोई जैसे उसमें कोई चीज डालो पानी क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसे क्या उपाय है, पूरा घड़ा में छेद ही छेद है लेकिन ऊपर से पानी डालोगे ना एक बूंद नहीं निकलेगा। Als er een grote zeef is met al met gaten, hoe kunnen we zorgen dat als er van boven water komt, dat toch niks eruit valt? Dat is de vraag. Dat is het jouw bij de nikkelingen. Hoe voer ik al tja aan in Dana? इसने आंसर दिया है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इसलिए उसमें ये बताए, अगर वो कलसी को पूरा पानी में डुबो कर रख दो, वो पानी में पूरा डुबो करके उसे रख लो, अगर जितने छेद होगा पानी निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। ये आंसर प्रॉपर आंसर। देखो इसमें ये कह रहे हैं, हम तो कथा सुनते हैं लेकिन जब निकल जाती है टिकती नहीं, लेकिन ऐसे क्या उपाय है, भले ही इतने छेद हो, मतलब हमारे अंदर में काम है, देखो समझो हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, बहुत मदमाचर से हमारे अंदर में सारी चीज है, लेकिन देखो हम यहाँ कितने समय तक बैठे, एक घंटा से बैठे, एक घंटे से कीर्तन कर रहे हैं और एक घंटे से कथा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ बैठ रहे हैं आपका अंदर कोई काम आ रहे हैं ना, क्रोध आ रहे हैं ना, लोभ आ रहे, मोह आ रहे, कुछ सबको भूल कर बैठे, कोई काम क्रोध लोभ हमारे अंदर में कोई आक्रमण नहीं कर पा रहे, क्यों, हम भगवान की कथा में डूबे हुए। इसलिए बताए अगर हर समय हम भगवान की कथा में डूबे रहे, सत्संग में अगर हम डूबे रहे ना, भले ही जितने काम क्रोध की छू वो हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी वो बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए बोले मुंह रहो भैया, कथा रस में डूबे रहो, मुंह बोले ये कथा रस में, ये यद्यपि ये कृष्ण भक्ति रस का सब पान करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में ये कथा रस को कौन पान करता है, कौन पान करता है ये कथा रस को पूर्ण रूप में, बोले ये ब्रज की गोपियां, ये गोपियों ने जैसे कृष्ण भक्ति रस को पान किया ना, ये रस और कोई भी इतना अच्छा तरह से कोई पान नहीं कर सके, इसलिए इनका नाम है गोपी। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को रस में जो डूबी रहती है, इसलिए इनका नाम है गोपी। इसलिए गुरुदेव है, गुरुदेव उसकी कथा सुनाते थे, आप लोग कथा को सुने और एक बार सुना देता कि गोपियां कैसे कृष्ण भक्ति रस में नित्य निरंतर कैसे डूबी रहती है। बोले एक समय ब्रज में एक नवेली मतलब नई कोई बहू आई शादी करके, लेकिन ब्रज में जो गोपियां आती है ना वो कोई साधारण लड़की नहीं है, ये पूर्व पूर्व जन्म में जो करोड़ों करोड़ों साल से जो तपस्या की है, करोड़ों करोड़ों साल की जो तपस्या की, श्रुति चरी मुनि चरी दंडकारण्य का ऋषि, ये लोग सबके सब ब्रज में गोपी बनकर कृष्ण का समय में आए, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, सबके सब बड़ी बड़ी तपस्या करके आई ब्रज में, जन्म हुई प्रकट ब्रज में। इसलिए एक नई गोपी आई घर में शादी करके, कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं ना, बड़ी मीठी 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 बंसी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी काम धाम छोड़कर कृष्ण दर्शन के लिए आते हैं, क्यों, और सारा दिन कृष्ण दर्शन में मिलेगा नहीं। जो नई गोपी थी एक, उसका सास नारद को बोली, बोले मैं भी कृष्ण को दर्शन करने जाऊंगी, बोले नहीं खबरदार, वो काला सांप एक बार काट देगा ना फिर जहर नहीं निकलेगा उतरेगा, हैं, इसलिए खबरदार तू दर्शन करने के लिए मत जा। बोले तू सास को बोले तू डोगरी होकर जा रही हो,
और मेरा पति डोकरा बूढ़ा होकर के जा रहे हैं, मेरे ननद भी जा रही है, सारा दुनिया जा रहे हैं, और जिसको काटेगा और मेरे भी काटेगा, बोले तेरे भी काटेगा, इसलिए खबरदार तू मत जाया कर। इतने में वो तो जिसकी बात सुनी नहीं, वो कृष्ण दर्शन करने के लिए आई, ऐसे घूंघट उतार करके वो कृष्ण दर्शन कर रही थी। कृष्ण को तो पता कौन गोपी कहाँ किस रूप में दर्शन कर रही है, उसको पता ये नई गोपी आई, इसकी भावना बढ़ाना पड़ेगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, इसकी भाव को बढ़ाने के लिए ये गोपी की तरफ में एक बछड़ा का मुंह कर दी और उसका पूछ को ऐंठ दिया। इतने में वो बछड़ा फुदकते हुए छलांग लगाते हुए ये गोपी को पास में आ गया। कृष्णा ये बछड़ा का बहाना बना करके ये गोपी को पास में आए और उसको जो बंसुरी था ना उसको उसका कपल में थोड़ा स्पर्श किया और थोड़ी सी मीठी मीठी हंसे और उसको तेरे से चित्तवन से देख करके कृष्ण चले गए। और कृष्ण का स्पर्श और उनका मीठी मीठी मुस्कान और उनका तेरे से चित्तवन, गोपी तो ठगी से ठगी रह गई। कृष्ण उसको मान प्राण चित्त सब कुछ लेकर कृष्ण चले गए। उसका सांस ने देखी मेरी बहू कहाँ गई, सबके शब्द वापस आए लेकिन उसकी बहू वापस नहीं आई। बोले कहाँ गई, देखा वो तो खड़ी से खड़ी, क्योंकि उसका मान प्राण तो कृष्ण लेकर चले गए हैं और तो कुछ शरीर है नहीं। सास ने बोली मैं तेरे को पहले से सावधान कर रही थी, तुम मत जाया कर, वो काला सांप काट देगा तो जहर नहीं उतरेगा, काट दिया ना तेरे को, काट कर चला गया ना, बस चल घर में चल। सोचा कुछ काम में लगा दू, मन वापस आ जाएगा। बोले बैठो बैठो दधि मंथन करो। थोड़ी देर बाद में आकर देखती है ना वो धरती मंथन क्या करेगी, वो राई को लेकर मंथन कि उसका जो मन है नहीं, कृष्ण को साथ में चला गया। सोचा अच्छा चलने फिरने का काम बता दो, बोल जाओ कुएं से पानी भर कर लिया, तीन चार ऊपर में मट्टी रख दी, अब एक बालक को बच्चे को हाथ में पकड़वा कर बोल जाओ कुएं से पानी भर कर आ गए। वहां पर और भी कुछ गोपियां वहां पानी भर रही थी, ये कलसी में रस्सी का फांद क्या लगाएगी, जो बेटा था ना उसको साथ में बच्चा, बच्चे को गले में रस्सी की फांद लगा करके उसको कुएं में डाल रही थी। दूसरे ने कहा भैया इसको तो भूत लग गया, भूत लग गया, लेकिन वहां पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियां थी, बोले इसको भूत नहीं लग गया, इसको मैया जशोदा नंदा बाबा का पुत्र लग गया, पुत्र में भी भूत लग गया है, है? यहाँ पर कह रहे हैं भैया यद्यपि ये रस तो सबके सब पान की है, कृष्ण रस को, लेकिन किसने पूर्ण रूप में पान की, बोले ब्रज की गोपियों ने पान की पूर्ण रूप में, इसलिए बोले पीबतम रसमालयम मोहरह रसिका भूवि भाव का, बोले रस को कौन पी सकता, बोले कोई दो व्यक्ति पी सकता है, एक भावुक और एक रसिक। भावुक मतलब कृष्ण भाव में जो डूबे हुए हैं, रसिक मतलब कृष्ण रस में जो सहावर हुए हैं, इसलिए केवल ये दो व्यक्ति ही ये कथा रस को पान कर सकते हैं। इसका मतलब है आप लोग जो लोग आए हैं ना, आप लोग रसिक हो और भावुक हो तभी यहाँ पर आए, नहीं तो यहाँ पर कथा सुनने आप नहीं आ सकते हैं। हाँ। ये भगवान कथा की महिमा है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सोनकाद ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किया था। छह प्रश्न में पहला प्रश्न किया था, बोलो शांति कैसा, और क्या था उसमें, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, और क्या था सबसे मूल ये धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म, और क्या था, एक था वस्तु का कौन सा वस्तु सबसे अच्छा कौन से हो, इन्होंने याद कर रहा, और किसी को याद है इसलिए उनका पहला प्रश्न था, पहला एक प्रश्न में तीन प्रश्न है। देखो हमें है ना, हमें ये पता नहीं साधु के पास में जाकर क्या पूछनी चाहिए, हमें ये चीज पता है नहीं, इसलिए ये श्री सोनकाद ऋषि लोग यहाँ शिक्षा देते हैं साधु को पास में जाकर क्या मांगो। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना वो जानते हैं साधु को पास में जाकर के कोई चीज मांगो हमें मिल जाती है, हमें मिल जाती है साधु के पास में जाकर मांगने पर, लेकिन वो ये जड़ जगत का वस्तु मांगते हैं,
पैसा दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, बॉयफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो, बीवी दे दो, ये दुनियादार चीज मांगते हैं साधुओं के पास ले जाकर भी। लेकिन इसी चीज से अभी तक कोई सुख किसको मिला ही नहीं। बताओ रावण के पास में क्या नहीं था, बताओ? सोने की लंका थी, रावण में सोने की लंका, पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी कौन है, क्या तो मंदोदरी? इसका पति पिता का नाम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने सारी अच्छी अच्छी, जिसको विश्व सुंदरी कहते हैं, मिस वर्ल्ड, क्या क्या बोलते विश्व सुंदरी को, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स जिसको कहते हैं। और कुछ नहीं, मंदोदरी के सामने कुछ नहीं थी। मंदोदरी उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी मतलब जानते हो, मंद मतलब है पतली, उदरी मतलब कमर, जिस कमर बड़ी छोटी थी। शास्त्र में बताया एक विश्व सुंदरी बनने के लिए शरीर का कौन सा अंग कितना होनी चाहिए। ये विश्वकर्मा ने सारी अच्छी अच्छी चीज को देकर के मंदोदरी को बनाया। एक पत्नी नहीं थी मंदोदरी की, रावण का एक से एक सुंदरी गंधर्वणी स्वर्ग के अप्सरियों को भी उसने अपना पत्नी बनाया था, है? लेकिन उसको सुख मिला। हमारे पास में कितना पैसा हो सकता है, रावण जैसे सोने की लंका कभी हो सकता है? उसका घर भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना, सोना ही सोना ही सोना ही सोना ही। इसलिए जब हनुमान को बांध करके ले गए ना, हनुमान को मेघनाथ ने जब हनुमान को बांध करके ले गया, उसने रावण का पराक्रम को देख कर तो दगर गया। देखा उसको जो पिता घर में झाड़ू लगा रहा है, घर में झाड़ू लगा रहा था हनुमान जी के पिता, और देखा अग्नि कपड़ा साफ कर रही थी, ब्रह्मा जी वेद सुना रहा था, और स्वयं वहां पर देखा जो काल है रावण को पेड़ के नीचे दबा करके काल में रखा, हाँ? लेकिन सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। लेकिन उसको राज्य में केवल एक व्यक्ति सुखी था, जो विभीषण है। एक व्यक्ति विभीषण केवल सुखी था, विभीषण है, क्यों? भगवान का भजन करता था, भगवान की वो भक्ति करता था। इसलिए इनका यही प्रश्न है, हम जीवन में हमें शांति कैसे मिलेगा, हम जो कुछ करते हैं जीवन में सुख शांति के लिए। और उसी में तीन प्रश्न था, एक ही प्रश्न में तीन था। जगत में तरह तरह का धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, तरह तरह का धर्म है। लेकिन ये सारे धर्म में जीव का वास्तव धर्म क्या है, जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, कौन सा धर्म को जाजन करने पर उसको पूर्ण शांति मिलेगी। और जो तीसरा प्रश्न था, जगत में जीव को जितने कुछ मिल जाए तभी वो उसको खुश नहीं होता। भले ही जितने हीरो मिल जाए, घर ही जितने दुकान वगान मिल जाए, हैं? वो कभी सैटिस्फाई नहीं होता। अगर कमाई कमाई बोले कमाई करो, कम आई ज्यादा आनी चाहिए और आनी चाहिए। इसलिए इनका प्रश्न जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर जीव कंप्लीट सैटिस्फाई हो जाए, मेरे को जीवन में सब कुछ मिल गया, किस चीज का हमारी कमी नहीं रह गई। इसलिए पहला प्रश्न में उनका तीन प्रश्न था, हैं? हमारी यहाँ पर श्री प्रेमानंदी दीदी है, आज उन्होंने ये प्रश्न का वो उत्तर दे दी, हमें शांति मिलेगी कैसे, हैं? लोग माइक लेना। हरे कृष्णा। देखो हम इसलिए ये बच्ची को खड़ी कर रहा हूँ, हम चाहते हैं आप लोग भी कथा सीखो, आप लोग भी धीरे धीरे देखो दुनिया की हम बहुत सारी कथा को याद कर लेते हैं, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं होता, बेकार बकवास बैठ करके इसका इसका सारा दुनिया की बात बकबक बकबक करते रहते हैं। इसलिए भागवत में बताया, जिस जिह्वा के द्वारा हम भगवान की कीर्तन नहीं करते, भगवान की कथा नहीं बोलते हैं, सुतो गोस्वामी कहते हैं वो जिह्वा नहीं, वो मेढक का जिह्वा, मेढक प्राग, जैसे मेढक ना टर 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 टर, लेकिन क्या करता है सांप, उसका ताल है, वो सांप देखता है अभी हमें कोई आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मैं आहार मेरे को बुला रहा है, वो सांप धीरे 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 आकर बस पकड़ लेता है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जब हम दुनिया की बात करते हैं, कहते हो क्या बात है, जैसे मेढक जैसे टर 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 टर, दुनिया की बात हम टर 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 बात करते, लेकिन ये काल विसर्ग कर दिन हमें ग्रास कर लेता है, हैं? इसलिए लेकिन जब भगवान की हम कथा करेंगे, सुधो गोस्वामी कहते हैं ये सूरज नहीं, ये काल है, ये सबका परमात्मा नष्ट कर रहा है, हैं? हम कहेंगे
कहते हैप्पी बर्थडे, कहते ना हैप्पी बर्थडे, ये सब बेकूफ मूर्ख है, सब कहते हैं हैप्पी बर्थडे। संतों का कहना ये हैप्पी नहीं, ये दुखी होनी चाहिए, मेरा जो परमात्मा का एक साल खत्म हो गया। कहते हैप्पी बर्थडे, कहते हैप्पी बर्थडे नहीं, उसमें दुखी दुखी होनी चाहिए, उसमें दुखी होनी चाहिए, हमारा भगवान हमें जो परमात्मा दिया था वो परमात्मा का एक साल खत्म हो गया हमारी। अगर किसको बोले कितने उम्र, मतलब 50 साल के हो गए, 40 साल, 50 साल के नहीं हो गए, 40 साल के नहीं हो गए, तुम्हारे 40 साल खत्म हो गया है, नष्ट हो गया तुम्हारी। लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं, उसके लिए दुख मनानी चाहिए। भगवान ये मानव शरीर दिया भजन के लिए, इतना साल हमें चला गया है, दुखी होना चाहिए, सुखी नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे भगवान की कथा सुनाने के लिए, ठीक है ना, एक दूसरे को जब मिलो भगवान की कथा सुनाओ, ठाकुर की कथा सुनाओ, ऐसे नहीं घर में क्या बनाया क्या खाए, ये नहीं, कितना हरिनाम किया, कितना भजन किया, गीता का कौन सा रामायण क्या पढ़े, भागवत का क्या पढ़े, भगवान की चर्चा कर। ॐ ज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसन गौर भक्तवृंद प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, can I speak English, please? My humble obeisances to my Shiksha and Diksha Gurudev Shri Shri Bhaktivedanta Ben Maharaj, also to the my Shiksha Gurudev who is present here today, Shri Shri Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, and to the whole Guru Varga. Actually, I'm not qualified to speak Maharaj, but still, by your mercy, I can speak something which I heard from you and from the Guru Varga. The question which Maharaj asked today was, how can we get this Atma Shant? In Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraj Goswami, he describes how the bhaktas can get this Atma Shant. He said, Krishna Bhakti, Krishna Bhakta, Nishkam, Ata Eva Shant, Bhukti Mukti, Siddhikami, Sakale Ashant. It is said, this Krishna Bhaktas, how they can get this Shant, because they're Nishkam. Also it said, Bhukti Mukti, Siddhikami, Sakale Ashant, those who perceive bhukti, mukti, that is sense gratification, mukti, kind of liberation, which is also for ourselves, because what is the service of Krishna in this liberation? Mukti is for our own benefit, it's our own desire. It is said, Sakale Ashant, these are the desires, kami, which make us Ashant. And it's also said that this Krishna Bhakta, what do they possess? They have this ultimate desire just to please Krishna. It is said, in Rukushwam describes in Bhakti Rasamrita Sindhu, he said, Anyabhilasita sunyam, jnana karmari anavritam, anukulyena krishnanusilam bhakti rutma. He describes this ultimate, highest, uttama bhakti. What is this? It is an anyabhilasita sunyam, jnani karmari anavritam. It is without any desire for jnan, the knowledge, aspiration of of perceiving knowledge, jnan karma, of actions doing for ourselves, jnan karmari anavritam. It is devoid of all desires. And what is it? It is to please Krishna with our body, mind, and speech. And it is said, Krishnanu silanam. It means like just like a pot of honey, when it flows uninterruptedly. And when this flows uninterruptedly, it is Krishnanu silanam.
We have to have this uninterrupted flow of desire to please Krishna. Without any form of material desire, this is our Uttama Bhakti. Jnana Karmada Anivritam. It is said, without any form of material desire, we can perceive this Uttama Bhakti. But how can we have this Uttama Bhakti? How can we know what Krishna is saying about this? Because the second question also was, what is the dharma, the highest dharma which we should aspire? And Krishna himself, he is Advaita Achyutam Anadi Anantarupam. Krishna himself, he is one without a second. He is Anantarupam, he has unlimited forms. And he came 5,000 years ago, he came and spoke this Bhagavad Gita with his own words. He said, Sarva dharman parichaja, mam ekam saranam vaja, aham tvam sarva bhavibhyo moksaya yasmi masucha. He said, give up all the forms, any forms of dharma, give it up. Sarva dharman parichaja, mam ekam saranam vaja. He said, only surrender unto me. He said, moksaya yasmi masucha, I will deliver you from all sins. Masucha, phrase need, don't grieve about this. These are his own words. But if you look at how can we do it in daily basis, it is also very clearly said, Anukuliyana Krishnani, Anukuliyasya Sankalpa, Pratikuliyasya Varjanam. It is said, accept that what is favorable for my bhakti and neglect, reject that what is unfavorable. We have to have the, we have to know that Anukuliyasya Sankalpa, Pratikuliyasya Varjanam, Raksha Iti Vishvasu. Have the full faith that Krishna is my maintainer. Raksha Iti Vishvasu, Gopatritne Varanatata. He is my maintainer. And then it said, Atma Karpanye, Atma Nikshetna Karpanye Satvidhasarnagati. It is said with fully self-surrendered mood. We know, we have to know. But not only self-surrender, with karpanya, full humility. We have to surrender ourselves, and then sattvidhasaranagati. These are the six qualifications to get this fully self-surrendered mood onto Krishna, but also to our Guru Varga and to Sri Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, who is giving us so mercifully, who is teaching all these things. Even from daily morning he starts in preparing, until evening he is so fixed in his Krishna bhajan. And he's the perfect example for us, how he's our, for some of us, our Diksha Guru, but also our Diksha Guru. He's teaching us how to walk in this path of bhakti, to make us strong, and even when you're not here, Maharaj, we can remember your teachings, and we can try to make a little bit of progress in this path of bhakti. Thank you. ठीक है, कल है, आज तक हम लोग ने सुना शांति, तुम इस विषय थोड़ा बोल देना। कल हम सुनेंगे कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। ये पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अभी प्रभु जी थोड़ी सी बताएंगे, और कल हम सुनेंगे कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरा उतर पाए। कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय रखा, क्या रखा, बोले भगवान का नाम कीर्तन है, ठाकुर जी की नाम कीर्तन है, ये सबसे सरल उपाय। कल इस विषय पर जो बोल सकते हैं, हम प्रेशर किसको नहीं करेंगे, हम किसको प्रेशर नहीं देंगे, जो चाहेगा बोलने के लिए हम उसको चांस देंगे बोलने के लिए। देखो गुरुदेव, जो हमारे जो गुरुदेव, बड़े गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जब मथुरा में रहते थे गुरुदेव, गुरुदेव सबको चांस देते थे। जब मैं पहले आया मंदिर में, जब पहले मंदिर में आया, तब गुरुदेव बस कुछ खड़े पर कोई दीक्षिता बोल, मैंने कहा मैं नहीं बोल सकता। वहां पर गुरुदेव थे ना, और बहुत बड़ा सन्यासी बैठे हुए थे। मेरा उम्र था उस समय कितना, 18-19 साल का मैं था उस समय, मेरा उम्र था। बोले तुम कुछ बोलो। बोले गुरुदेव मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो गुरुदेव ने कहा, देखो जब किसी विषय पर बोलते हो
उनका चरण में एक फूल देना होता है, उनकी ग्लोरी ये है। जैसे हम बोलेंगे आपका नाम क्या है, श्याम, अगर हम बोलेंगे श्याम पर बहुत अच्छे उनके गुण है, बड़े सरल है, सबको पर दया करते हैं, निष्कपटा आदमी, सबकी सेवा होना, अब खुश हो जाते हैं ना। उसी तरह जब किसी साधु की महिमा बताएंगे, जब हम किसी भगवान की महिमा बताएंगे, ठाकुर जी कितने खुश होंगे, देखो मेरी कथा कर रहे, मेरी गुणगान कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सबसे ज्यादा मेरे प्रिय कौन है, कहते मेरे जो कथा बोलता है, इससे बड़ा प्रिय जगत में कुछ नहीं है। इसलिए हम जगत में जितने जीव है हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम ठाकुर के सब संतान हैं, लेकिन हम भगवान को भूल करके संसार में हम दुख कष्ट उठाते हैं। अगर कोई एक जीव को, जैसे एक बच्चा पिताजी को भूल गया, पिताजी की अर्थात संपत्ति भूल करके बड़े बड़े दुख कष्ट भोग कर रहा है, अगर किसी बच्चे को अगर कोई ढूंढ रहा था पिताजी को पास मिले जाए, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जब हमें एक जीव को ठाकुर को पास मिले जाए, बस जीव का सारे दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते थे जब किसकी मैं गुणगान करते हो उनका चरण में भूल देना होता है। इसलिए मेरे को जोर जबरदस्ती खड़ी की, बोलो एक मिनट केवल वंदना करो, खड़े होकर केवल वंदना करो, बात कितनी बहुत है। ऐसे गुरुदेव सबको चांस देते थे, तुम बोलो। तभी गुरु जी के पास में ना जितने आए गुरुदेव सबको गुरु बना कर गए, हमारे गुरुदेव सबको गुरु बना कर गए, इसको चेला नहीं बनाए। अभी गुरुदेव का शिष्य है ना सारा विश्व में अभी प्रचार कर रहे हैं। बोले कैसे, बोले गुरुदेव ने सबको चांस देते, तुम बोलो हरि कथा बोलो, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना, जैसे हरि कथा होती है ना, नोटबुक लेकर जाओ, साथ में एक बुक लेकर जाओ, जहाँ जहाँ कथा होती है उसको नोट करो, हरि कथा को नोट करो। देखो जो हमारा भक्त नारायण गोस्वामी महाराज वो बोलते थे, जब उनका गुरुदेव कथा करते थे तो गुरुदेव सारी कथा को नोट करते थे, सारी कथा को नोट करके फिर गुरु जी को पास में जाते थे। और हमारे जो महाराज जी को बड़े फिलोसफर थे, और उनको जो गुरुदेव और ज्यादा फिलोसफर थे, बोलते थे मैं कभी कभी गुरु जी को साथ में ना लड़ पड़ता था कोई प्रश्न को लेकर, ऐसे क्यों होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा। अब उनका गुरुदेव बड़े बुद्धिमान थे, प्रभुपाद का शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, बड़े फिलोसफर थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमान थे। गुरु जी के साथ में बहुत लड़ पड़ता था, ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बाद में ना उनका गुरुदेव इतने खुश होते थे ये बच्चा एक दिन बहुत बढ़िया प्रचारक बनेगा, हरी कथा बोलेगा, जगत में वाणी प्रचार करेगा। सच मुझसे गुरुदेव संपूर्ण विश्व में उन्होंने हरी कथा प्रचार की है। इसलिए अगर सीखना हो तो, हरी कथा सीखना हो तो एक नोटबुक साथ में रखा करनी चाहिए, जहाँ कथा होती है कथा को नोट करनी चाहिए। आपका जो अड़स पड़स में होएगी उनका भी कथा सुनाओ। दुनियादारी की हम बात करते हैं, क्यों इधर उधर बात करें, उसमें तो कोई शांति सुख है नहीं। शांति सुख तो केवल प्रभु की भक्ति प्रेम से मिलता है, उनको भी कथा सुना। देखो विजय प्रभु ने कथा सुनाया, तभी तो इतने लोग इकट्ठे हुए ना, तभी तो इकट्ठे हुए, कहाँ से हुए, कितने परिश्रम किया, कथा सुनाया तभी है ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो भगवान की कथा सुना, दुनिया की कथा मत सुना। जब भगवान की कथा सुनाएंगे पहले तो लाभवान आप बनोगे, सेकंड में दूसरा व्यक्ति लाभवान होगा, पहला लाभ तो आपका होगा, क्यों, आप भगवान की कथा सुना रहे, ठीक है। विजय प्रभु से इस कथा सुना बोलते So, Maharaj asked us to speak about the questions what all the rishis in Naimasharanya was asking, and also in the congregation where Sukadeva Goswami was there,
so many big scholars came. And actually, to speak about Harikatha, the perfect question has to come. If you want to really go deep in the philosophy, there is also something needed. The speaker is there, but the speaker has to be inspired. So to get inspired, we have to learn how to ask questions also. It's a very important process in our development, in our bhakti. Because everything is coming from questions and answers, questions and answers. The whole Bhagavad Gita is like that, Srimad Bhagavatam is like that, Aramananaya, Sambhad, every other scriptures, question and answer. Even though Mahaprabhu was such a scholar, he also was asking question to who? To Ramanandaraya. But also to who? To who? Kadada, but also Namacharya, Sri Haridas Thakur. Different conversation, but it's very, if you see Chaitanya Charitamrita, you will actually think that Ramanandaraya has to ask question to Chaitanya Mahaprabhu. This refers. Mahaprabhu is asking question to his bhakta. Why? Because in his bhakta's hirday, all the treasure is buried. And we have to know how to bring it up by asking the right questions. Mahaprabhu is teaching us actually how to approach all the sadhus, but always have the correct questions. So the question what the Srimad Bhagavatam today Premanandi also elaborated, how we can achieve Shant and what is our Param Dharma, and which is actually also Maharaj has also asked everyone to also think about what is the best way to practice in this Kali Yuga. What is the source of that? So in these topics the whole Srimad Bhagavatam is celebrated. But the question actually what Maharaj today want to hear is how we can get Shant. Because everyone is searching for this Shant. But we see that everyone is actually trying to get this Shant in different ways. In this material world, that is the big problem. Although we are such knowledgeable, we are such intelligent person, we actually do not know where the source of Shant is. That's the big problem in this material world. Everyone is thinking that if we have this big house, if we have this child, if we have this perfect husband, perfect wife, and bank balance, everything, then the Shant will come. But that is the wrong choice what people are making in this material. Shant is actually everything to do with the path of bhakti. But actually the Shant is also very deep. Because if you analyze the definition of Shant, then it is actually mean Vaikunt. What is it? What is the meaning of Vaikunt? Does somebody know this? Vaikunt? Free for everything. Yes. Free from all anxiety. You see, Vaikunt planets, the name Vaikunt means free from all anxiety. So actually, if we see the creation, until we reach Vaikunt, we will never be shy. We will never be shy. Because there is the border where Shant is available. So we have to know, if we really want to reach this Shant, we minimum have to be at this Vaikunt level. But this Vaikunt level, we can also practice in this material world. That is the mercy. Because that is the mercy of the Lord, who is bringing the spiritual realm in this material world. That is His contribution. Mahaprabhu, Shri Krishna, Ramchandra, all the avatars, what is their goal? To bring this spiritual atmosphere which is full of Shant, full of Anand. Yes. They are bringing it here in this material world. That's why, if you actually analyze this sloka, you know what Premanandi just actually mentioned, very important one. Krishna bhakta nishkam ata eva shant.
Krishna Bhakta, what is it? Nishkam. It's Nishkam. Nishkam means without any other desire than to fulfill the desire of the Lord. That is very actually difficult. Because the thing is that we are all conditioned soul and we have all desires. We have so many desires. That's why it is Anya Vilasita. Anya, you know, so many desires here. Vilasita. So many desires. Yeah. But the thing is, we have to know that all this desire has got expectations. And in the scripture it is mentioned, Asha hai param dukha. The cause of dukkha is that we have so many asha, so many expectations. And because having this expectation, we don't relish this shot. Because when we getting something, we achieving something, from that achievement, we desire more and more and more and more. And we have more expectation, more expectation, more expectation. Like a mother wants a child, then he think, oh, if I have the child in my hand, in my arms, then I will be shy. Then she's making more and more expectation. Oh, my child has to be very famous, or she has to be very good in cooking, or everything. So many expectations there. If it's not according to the expectation, then we all have action. So we have different levels of achieving Ashanat. But Nishkam is actually the way, the doorway. The doorway of getting this shant is Nishkam. To vanquish all our desires. And by pleasing only Hari Guru Vaishnavas. By pleasing Hari Guru Vaishnavas, all the shant will come to us. But actually, we will not be shant. That is the diktatur. We will not be shant. We will be restless. If you see all the Mahabhagavats, they are very restless. They are not shant. We are not going into the Himalayas and uttering, oh, no. What they are doing? They are coming in this material world and going to all the ashant places like this in Holland. There are so many adharmas there. And confronting everyone, how we have to come to this Nishkam level. We are very restless. And actually, if you go to the spiritual world, Radharani, is she a shant? No, she is also restless. But in this restless, so many shant is buried, is covered. Because this is actually the whole philosophy, our bhakti. If everything is fixed, everything is there, we think, oh, there is so much enjoyment there. But it is not always like that. If things are not so fixed, because we already tasted the higher taste, we will always have the desire to have more and more and more. That's why there is many phrases. I will add my, because I can go many directions with this philosophy, but we have to know who is actually the most happy person. Because that happy person is not the definition of shant, but actually anand, paramanand. And that's why it is said, aho bhagivan, aho bhagivan, nanda kishor, vraja kasam, kasam. Jan mitram paramanandam, paramam brahma sanatanam. It is said that actually this most Paramanandam, person who is that, aho bhakya, the most fortunate, is the Vrajavasis, Nanda Kishore, Nanda Kishore, and all the residents of Vrajavasis. Why? Yam mitram, they have, who is that? The Param Sanatam, Brahma Sanatam, the most highest Lord, the absolute truth, is what? But Yam mitram, their friend. And because of that, they are paramananda, as they say. So that is our achievement. Our achievement is not actually shant. Because shant is no, it is something which is more higher, but that is paramananda. And paramananda is also with asha, because
we are getting restless because we want to taste more and more and more and more and more, but not material, but we will taste the more and more, like the Radharani is separated. Mood is there, Ripalamba Bhava. But still, in that Ripalamba Bhava, so many joy is there. We will see her external asham, but in turn, she's totally in this Paramananda. So we have to know this deep philosophy, actually. There's very deep tattvas behind this. And gradually, by asking the right question, by digesting everything what we're getting, don't take it easily, don't take it lightly, because this ocean is very deep. Don't only swim in the surface. Try to go deep in the philosophy, and you'll see how many jewels are buried, and how we can achieve this jewel. We have to have very longing, greed for it. By this greed, this longing, the sadhu will feel everything, a matter of time, and a matter if we our qualification and our surrender mood. आप थोड़ा से कुछ और बोलो नहीं बहुत ठीक द क्वेश्चन क्या है हाँ टुमारो यू लिसनिंग कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है हम कैसे भगवान को सबसे जो बोलना चाहेंगे हम सबके चांस दें If you want to speak something, I can give everybody a chance. I can give. Okay. What is this? Iedereen heeft een vraag. Duidelijk? Vertel maar. Wat is de makkelijkste manier om Sri Krishna te bereiken? Kali Yuga. En niet alleen maar zeggen wat het is, maar waar staat het in de geschriften en hoe moet je dat doen? Ik niet bolo. Nee, net als kalis klas niet houden. Dus ham kisko, jo, jiska ietsa hoga bolenen kliee, ham kisko chance denge. Jiska ietsa hoga, me bolenga, ham kisko chance denge. Dus lie, ab bivin na granto se jaise Hari naam prabhav ne, ab thom sekta ho. Hari naam prabhav ne kya kya bataya, kya kya bataya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.